नमस्कार, आप देख रहे हैं विद्रोही आनंद। मैं हूं आपके साथ नितिन त्रिवेदी। आइए रुक करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों पर। प्रधानमंत्री मोदी करेंगे मन की बात। दिल्ली में सुबह 11 बजे होगी पीएम मोदी की मन की बात। 1,91,00,000 छात्र छात्राओं के अभिभावकों के खाते में जाएगा पैसा। स्वेटर, स्कूल बैग, जूता, मोजा और स्टेशनरी के लिए सीधे खाते में जाएगा पैसा। प्रति छात्र के हिसाब से 1200 रुपए की धनराशि DBT के जरिए होगी ट्रांसफर। सीएम योगी आदित्यनाथ 1 अगस्त को करेंगे ट्रांसफर। हमारे वेट लिफ्टर्स ने अंग्रेजों को दिखाई ताकत। भारत कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग में इतिहास में इंग्लैंड से ज्यादा कामयाब देश बना भारत। मीराबाई चानू ने जीता गोल्ड। जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह ने पूर्व सांसद धनंजय सिंह को जनता दल यूनाइटेड का राष्ट्रीय महासचिव नियुक्त किया। बिहार में भाजपा का सहयोगी दल है JDU। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शिवसेना सांसद संजय रावत के घर में 3 घंटे से चल रही ED की छापेमारी। रावत ने कहा कि झूठी कार्रवाई, झूठे सबूत के बाद भी मैं शिवसेना नहीं छोड़ूंगा। अगर मैं मर भी जाऊं तो समर्पण नहीं करूंगा। कांग्रेस देश भर में GST महंगाई अग्निपथ योजना का करेगी विरोध प्रदर्शन। 5 अगस्त को देश भर में किया जाएगा प्रदर्शन। 5 अगस्त को देश के राजभवनों का भी होगा घेराव। साथ ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पीएम मोदी आवास का भी करेंगे घेराव। स्वास्थ्य विभाग में तबादलों के घोटाले में जांच रिपोर्ट के आधार पर अफसरों पर एक्शन। पूर्व DG हेल्थ वेदव्रत सिंह पर जांच के आदेश। संयुक्त निदेशक BKS चौहान पर भी कार्रवाई के आदेश। स्थानांतरण के लिए गठित समिति में डॉक्टर चौहान, निदेशक पैरामेडिकल निरूपमा दीक्षित से स्पष्टीकरण तलब किया गया। लखनऊ में रिटायर्ड IPS विपिन कुमार वर्मा के घर चोरी का मामला। गोमती नगर पुलिस ने चोरी का किया खुलासा। एक आरोपी चंद्रशेखर को गिरफ्तार कर चोरी का सामान भी बरामद किया। अमेठी में संदिग्ध परिस्थितियों में विस्फोट होने से बड़ा हादसा, ग्रामीणों में दहशत। 2 मंजिल मकान हुआ धराशाही। हादसे में एक युवक गंभीर रूप से घायल। पुलिस के मुताबिक सिलेंडर फटने से बताया जा रहा है हादसा। नेपाल के काठमांडू में भूकंप का झटका। रिएक्टर स्केल पर 5.5 रही तीव्रता। देश में बीते दिन कोरोना के 17,317 नए मामले आए सामने, वही 34 की मौत। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन फिर कोविड पॉजिटिव। ऐसी खास खबरों को देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे विद्रोही आनंद। हर खबर पर होगी आपकी पकड़। सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल विद्रोही आनंद को और बेल आइकॉन दबाना न भूलिए।